कैसे हो पोकेमोन आर्मी? जैसे कि आपको मेरी वॉइस से पता लग गया होगा कि मैं पोकेबैक्स हिंदी नहीं हूँ, मैं दूसरे चैनल से हूँ और मेरे चैनल का नाम है पोकेविला जी, जहाँ पर मैं पोकेमोन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की वीडियो मेरी और पोकेबैक्स हिंदी की कोलैबोरेशन वीडियो होने वाली है, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स के बारे में, जिसके अंदर हमने कोई भी लेजेंडरी टाइप पोकेमोन को नहीं रखा है। बिना किसी देरी के इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम दोस्तों, दोस्तों नंबर 5 पे जो पोकेमोन है वो है गुडरा। दोस्तों गुडरा एक बहुत ही बढ़िया ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, वो भी क्रॉस, और उसे गमी पोकेमोन या फिर स्लाइम पोकेमोन भी कहा जाता है। और इस पोकेमोन को हमारे लिस्ट में आने वाला चीज़ है इसके स्टैट्स। दोस्तों इसे सूडो लेजेंडरी पोकेमोन भी कहा जाता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके अटैक्स भी बहुत बढ़िया है और ये ड्रैगन टाइप से अटैक्स बहुत ही बढ़िया करता है। और इसके जो स्टैट्स है वो है 600 तक स्टैट्स आ जाते हैं, यानी एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन दोस्तों, तो इसलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आता है। तो गाइस जो पोकेमोन हमारे लिस्ट के नंबर 4 पर जगह बनाता है वह है हमारा ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन होने के साथ साथ एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन भी है, और इसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे अटैक्स हैं, जैसे कि ड्रैगन एंज, फायर पंच, थंडर वेव, विंग अटैक, थंडर वेव, ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन टेल। इसके पास इसी तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं। और ये पोकेमोन को फर्स्ट टाइम ऑयलिंग के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोकेमोन बहुत ही प्यारा पोकेमोन है और ये पोकेमोन बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। ये चाहे तो किसी भी लेजेंडरी टाइप पोकेमोन का फिर मिथिकल लेजेंडरी टाइप पोकेमोन को आसानी से हरा सकता है। इसने ऑरेंज लिंग में बहुत सारा धूम मचाया था और ऐश इससे बहुत मुश्किल से जीत पाया था। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस स्टेप्स के बारे में। इसका एचपी 91 है, अटैक 134 है जो कि सबसे ज़्यादा है, डिफेंस 95, स्पेशल अटैक 100 है, टोटल इसका 600 है। इसलिए ये पोकेमोन हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर आना डिजर्व करता ही करता है, और ये पोकेमोन एक बहुत अच्छा ड्रैगन टाइप पोकेमोन भी है। तो दोस्तों जो पोकेमोन हमारे लिस्ट में आगे है वो है गैरेडोस। दोस्तों गैरेडोस एक वाटर प्लस ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, और गैरेडोस का एक मेगा इवोल्यूशन भी है जो कुछ ऐसे दिखता है। दोस्तों इस मेगा इवोल्यूशन में उसके ड्रैगन टाइप मूव्स बढ़ जाते हैं, और इसकी स्टैट्स भी हम आगे देख लेते हैं। दोस्तों इसकी स्टैट्स ओवरऑल 540 है, और इसका बेस्ट है अटैक। दोस्तों इसके अटैक की वजह से ये हमारे लिस्ट में टॉप 4 की पोजीशन पे अपनी जगह बनाने वाला है, मतलब जगह पे है। दोस्तों ये एक सूडो लेजेंडरी तो नहीं है, बट इसने अपनी जगह बनाई रखी है। तो गाइस जो पोकेमोन हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर जगह बनाता है वो है हमारा गार्चोप। गार्चोप एक ड्रैगन टाइप और एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, और उसके पास एक मेगा एवोल्यूशन भी है। ग्राउंड टाइप होने के पास उसके पास बहुत सारे और भी एबिलिटीज हैं, और उसके पास बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स हैं, जैसे कि क्रंच जो कि डार्क टाइप एक अटैक है, ड्रैगन टेल, ड्रैगन क्लॉ, सैंड अटैक, टैकल, सैंड स्टोम, टैकल, टैकल डाउन, स्टोन बॉम्ब स्लैश। इसके पास इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक्स हैं जो कि इसको एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन बनाता है। ये हमको फर्स्ट टाइम पोकेमोन XYZ के एपिसोड्स में ही दिखाया गया था, और इस पोकेमोन का मेगा एवोल्यूशन बहुत ही ताकतवर है। इस पोकेमोन का मेगा एवोल्यूशन किसी भी पोकेमोन को आसानी से हरा सकता है। इस पोकेमोन का डिजाइन भी बहुत अच्छा है, ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके बेस स्टेप्स के बारे में। इसका बेस स्टेप्स है एचपी है 108, अटैक 130, डिफेंस 95, जो कि इसका अटैक सबसे ज़्यादा है, और इसका टोटल है 600। इसके डिज़ाइन और एबिलिटीज और एचपी के कारण ये पोकेमोन हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे आना डिजर्व करता है। अगर आपने पोकेवॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो पोकेमोन के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं, तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों जो पोकेमोन अभी हमारे नंबर 1 पोजीशन पे आता है, यानी ड्रैगन टाइप पोकेमोन की आज के लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आता है, वो पोकेमोन है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। दोस्तों अगर सब कंफ्यूज हो गए रहेंगे जिसने कार्लोस रीजन नहीं देखा है, उसने चारिज़ार्ड क्यों, चारिज़ार्ड तो फायर और फ्लाइंग टाइप है। दोस्तों नहीं, जब मेगा चारिज़ार्ड जब चार्जर मेगा इवॉल्व होता है और मेगा इवॉल्व एक्स में होता है, तो वो ड्रैगन और फायर टाइप बन जाता है।
और उसके ड्रैगन टाइप मूव्स बहुत ही ज़्यादा मूव बूस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो आज के लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे। और दोस्तों अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो चार्जार्ड एक स्टार्टर पोकेमोन है कांटो रीजन का, यानी चार्मेंडर, फिर उसके बाद चार्मेलन और फिर उसके बाद चार्जार्ड। दोस्तों ऐसे ये चार्जार्ड का साइकिल है, और चार्जार्ड 2 पोकेमोन में मेगा इवॉल्व होता है, वो है एक्स और वाई। दोस्तों तो अब इसके बेस स्टैट्स पे जाते हैं, तो इसके बेस स्टैट्स है 634। दोस्तों तो अब सोच रहे हैं 634 बहुत सारी बेस स्टैट्स है, पर ये उसका कम बेस स्टैट्स है। दोस्तों ये मेगा इवॉल्व होने के बाद थोड़ी टाइम के लिए ये बेस स्टैट्स बूस्ट हो जाता है, और बाद में वापस नॉर्मल पोजिशन पर आ जाता है। दोस्तों तो आज की लिस्ट इधर ही ख़त्म होती है। दोस्तों तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना, और भाई पोकेविला जी के चैनल को भी विजिट करो भाई, वो बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आज का लाइक एम रखते हैं 12 लाइक्स का, दोस्तों 12 लाइक का एम तो तुम लोग पूरा दोगे। दोस्तों तो पिछले वीडियो का स्पॉइलर तुम लोग को पता नहीं चला तो फिर से बोल रहा हूँ, मूवी आ रही है पार्ट्स में, हिंदी डब कर रहे हैं हम लोग इसे। दोस्तों अब मिलता हूँ मैं तुम लोग को अगले वीडियो में, बाय।